बैठक हो रही है, गठबंधन के नेता मिल रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिल रहा जिस पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सभी दल सहमत हों। सूत्रों के मुताबिक अभी भी 10 से 15 सीट पर पेच फंसा हुआ है। विदर्भ कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए सिर्फ 8 सीट छोड़ने को तैयार है, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी 12 सीटों पर दावा कर रही है। सीट बंटवारा फाइनल न होने से महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों की अलग अलग बैठक हो रही है। मातोश्री में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बैठक हुई। खबर ये भी है कि कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार की एनसीपी के नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं, ताकि सीट बंटवारे पर आम सहमति बनाई जा सके। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी तो माइनॉरिटी वोट पूरा नहीं मिलेगा, तो 5 सीटें अखिलेश जी ने कहा तो ऐलान किया है और अखिलेश भाई बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये सीटें इंडिया अलायंस लूज कर दे। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और महाराष्ट्र की 12 सीटों पर दावा ठोक रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।